नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है शुभम। थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं तो वही सुनाने आया हूँ। मेरा मानना है कि जब हम काम में फंस जाते हैं या अपने ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो हम चाय पीते हैं, और ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं तो हम प्यार करते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर पाए हो तो सुनना। जब हमें कोई मिलता है तो हम उसे कहते हैं कि सिलसिला शुरू होता है तारीफ करने का, उसको ऐसे ही करते हैं ना, हम उसके पास जाते हैं, उसे देखते हैं, कई तो ऐसे देखते हैं कि अब अगर अभी मिल जाए तो अभी खा जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो कुछ ऐसा लिखा था कि ये तेरी प्यारी प्यारी आंखें, ये तेरी प्यारी प्यारी आंखें हमको ऐसे ताके, ये तेरी प्यारी प्यारी आंखें हमको ऐसे ताके, उफ अब तू ही बता कहाँ मरे हम जाके। फिर हम ऐसे ही आगे सिलसिला बढ़ता है और तो फिर यूं लिखते हैं कि मुश्किल भरी इस दुनिया में, मुश्किल भरी इस दुनिया में सिर्फ आसान तू है, मुश्किल भरी इस दुनिया में सिर्फ आसान तू है, तकलीफों की इस दुनिया में बस आराम तू है। फिर तारीफों का दौर आगे बढ़ता है और हम लिखते हैं कि तुम चांद से सुंदर मलिका हो, है ना। जब प्यार होता है तो सबसे पहले हमें याद का आता है कि चांद और वो, है ना, अक्सर दिन तो कट जाता है पर रातें नहीं कटती, है ना। तो चांद, तुम चांद से सुंदर मलिका हो मैं दाग तुम्हारे गालों का, तुम चांद से सुंदर मलिका हो मैं दाग तुम्हारे गालों का, सुर्ख है तुम्हारे होठ पर मैं दीवाना तुम्हारे बालों का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कि तुम चांद से सुंदर मलिका हो मैं दाग तुम्हारे गालों का, सुर्ख है तुम्हारे होठ पर मैं दीवाना तुम्हारे बालों का, बारिश की जैसी ताजी तुम, बारिश की जैसी ताजी तुम मैं कीचड़ खेत की मिट्टी का, बारिश की जैसी ताजी तुम मैं कीचड़ खेत की मिट्टी का। क्योंकि जब प्यार होता है ना तो हम उससे बड़ा किसी को नहीं समझते और अपने से बुरा किसी को नहीं समझते, है ना, ऐसा ही होता है ना। कि तुम बारिश की जैसी ताजी तुम मैं कीचड़ खेत की मिट्टी का, बारिश की जैसी ताजी तुम मैं कीचड़ खेत की मिट्टी का, जो तुम्हारी यादों पर लिखी जवाब तो दो उन चिट्ठी का। फिर आगे ही ऐसे ही बढ़ता है तो फिर लिखते हैं कि कहाँ से लाते हो तुम इतना हुस्न हमें बतलाओ तो जरा, कहाँ से लाते हो तुम इतना हुस्न हमें बतलाओ तो जरा, यू परनियों सा हुस्न लिए खड़े हो जरा पास आओ तो जरा, कहाँ से लाते हो इतना हुस्न हमें बताओ तो जरा, तुम इतना परियों सा हुस्न लिए खड़े हो पास आओ तो जरा, इस जिंदगी की भाग दौड़ में वक्त निकल जाएगा, इस जिंदगी की भाग दौड़ में वक्त निकल जाएगा, थोड़ा रुक कर हमें देख मुस्कुराओ तो जरा। फिर हमें लगता है कि कहाँ हम और कहाँ वो। ठीक है, कुछ होता भी ऐसा है, जो हमारी भी लव स्टोरियाँ रही होगी, तो हम देखते हैं कि यार हमें तो माँ बाप ने हमें मार पीट के बड़ा किया और वो लड़की, है ना, और लड़की खासकर अपने घर की बड़ी या छोटी या जैसी भी लड़की हो, जिसकी भी हो, प्यारी होती है, है ना। आप सब जब शायद शादी होगी तो चाहेंगे भी कि अगर पहला बच्चा हो तो हमें लड़की हो, क्योंकि वो होती इतनी प्यारी है ना। तो उस पे लिखा था कि बचपन से खुशियों के लायक हो तुम, बचपन से खुशियों के लायक हो तुम, गम बांट पाओगे हमारे शक है हमें। दोबारा सुनिएगा, शायद कनेक्ट नहीं हो पाया। कि बचपन से खुशियों के लायक हो तुम, बचपन से खुशियों के लायक हो तुम, गम बांट पाओगे हमारे शक है हमें। और फिर लिखा था कि थोड़ा बिखर कर रहा करो रानी, है ना, हमें वो तो जो सज दस के जाते हैं वो तो सबके सामने चले जाते हैं ना, और जब हम कैजुअल तो बस हम घर में अपने करीबी के पास रहते हैं। तो ऐसा लिखा था कि थोड़ा बिखर कर रहा करो रानी, बिखरी हुई लाजवाब लगती हो, थोड़ा बिखर कर रहा करो रानी, बिखरी हुई लाजवाब लगती हो, इतना सिमट कर यूं ना रहो, इतना सिमट कर यूं ना रहो, एक दबी हुई आवाज लगती हो। और लिखा था कि फिर थोड़ी सी अनबन होती है ना, अनबन होती है, वो आती है और बोल पूछती है कि हम फोन करते हैं, हाँ भाई मिलना है, और वो कहती है कि क्या करोगे मिलके। तो उस पे लिखा था कि शाम होने वाली है तुम आओगे ना, कि शाम होने वाली है तुम आओगे ना, देर क्यों हुई आज फिर बताओगे ना, शाम होने वाली है तुम आओगे ना, देर क्यों हुई फिर आप बताओगे ना, हमारे साथ कुछ पल बिताओगे ना, हमें फिर यूं देख मुस्कुराओगे ना, प्यारी बातें कर फिर खिलखिलाओगे ना,
अपनी खुशबू से समा महकाओगे ना, प्यार क्या है फिर हमें समझाओगे ना, अपनी अदाओं से हमें बहकाओगे ना, बहाने करके फिर हमें छोड़ जाओगे ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लिखा था कि रिश्ते विश्वास हमदर्दी, रिश्ते विश्वास हमदर्दी, ये सब निकले बेदर्दी, रिश्ते विश्वास हमदर्दी, ये सब निकले बेदर्दी, बस काश तुझे पा लेते हम, बस इतनी थी खुदगर्जी। और हम लिख रहे हैं लेकिन कहानी किसी और की है, ये है ना, क्योंकि ये हमारा नहीं है जो हमें आया है, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने छोड़ा है, किसी ने पकड़ा है, जो भी है ये लिख हम रहे हैं लेकिन कहानी नहीं है। इसी पे लिखा था कि जो मैं इतना परेशान हूँ मेहरबानी तुम्हारी है, जो मैं इतना परेशान हूँ मेहरबानी तुम्हारी है, लिख तो मैं रहा हूँ लेकिन ये कहानी तुम्हारी है। एक लास्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट कि ये अपने पापा को लेकर लिखा था और मैं रो पड़ा था, अभी उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो थोड़ा मैं उनसे इतना कनेक्ट नहीं था, लेकिन जब उनसे उन्हें चोट लगी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ उन पर, और जब से मैं जॉब पे लगा हूँ तब से घर से दूर रहता हूँ तो उनकी याद आ जाती है, तो रोते रोते जब मैं लिख रहा था रो पड़ा था, तो ऐसे याद आया था कि मैंने एक झटके में अपना सब कुछ खोते देखा है, मैंने एक झटके में अपना सब कुछ खोते देखा है, मैंने अपनी गलती पे अपने बाप को रोते देखा है।